आपसे ये समझना चाहूंगी, 24 दिन आपने बिग बॉस के घर में बिताए, यस, बाहर निकलकर अब कैसा लग रहा है और वहाँ का 24 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 24 दिन के बाद जब मैं बाहर निकली हूँ तो फाइनली मुझे मेरे बेटे और हस्बैंड और फैमिली से मिलने को मिला है, वो चाय इंजॉय करने को मिला है और मतलब एक कहते ना एक सांस आई है। क्या मिस कर रही थी सबसे ज्यादा वहां पर? दुकान, रुद्र, यश और जो मेरे भाई लोग हैं, सारी चीजें बहुत ज्यादा, मतलब एक कहते ना एक कैद होना, एक ऐसा लग रहा था कि हाँ किसी ने कैद कर दिया है, तो वो फील हुआ कि नहीं अब सांस मिली है। अब आप अपने आप को थोड़ा आजाद महसूस कर रही हैं? हाँ, मैं अपनों के साथ हूँ तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, आप क्योंकि आप कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि 24 दिन आप 24 दिन वहाँ पर रहें, ऐसा लगता है कि वहाँ पर जैसे कैद कर लिया हो, बहुत सारी एक तो आप ये नहीं कर सकते फोन, हालांकि इस बार अलाउ किया गया था फोन यूज वहाँ पर, लोगों को मिल रहा था, उसे डमी था, उसमें कुछ नहीं कर, अच्छा उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। मैसेज करते हुए तो एक दूसरे को देखा गया? वो सिर्फ डमी था, वो बिग बॉस के थ्रू ही मैसेज हमारे पास आता था और उसमें हम कभी कभी वहां से परमिशन मिलती थी तो हम उनको रिप्लाई कर सकते थे, अदरवाइज वो सिर्फ डमी था, उसे हम लेके घूम सकते थे और इसके अलावा उसका कोई यूज नहीं था ना। वो फोन देके हमें पल पल याद दिलाया जा रहा था कि काश इसमें बैलेंस होता तो हम घर वालों को कॉल कर लेते, मतलब वो सेल्फी मोड, लड़कियों को हमारा सेल्फी कितना पसंद है, इतनी प्यारी प्यारी जगह थी उस हाउस में और सेल्फी हम खींच नहीं पा रहे थे, तो हर एक चीज से हमें एहसास दिया जा रहा था कि नहीं भाई आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, सोशल मीडिया पर चंद्रिका आपकी जो इमेज रही और आप जब घर के अंदर बिग बॉस के अंदर पहुंची तो ये कहा गया कि इमेज थोड़ा सा चेंज हो गई, आपको घर के अंदर हिपोक्रेट कहा गया, आपके लिए ये कहा गया कि आपके घर के अंदर अपने कोई मुद्दे नहीं थे जिन पर आप स्टैंड लेती हुई नजर आए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इंटरनेट पे क्या मेरी पूरी लाइफ डिस्क्राइब हुई है? नहीं ना, सिर्फ 24 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड का मेरा वीडियो आया है, उसमें मेरी पूरी लाइफ नहीं दिखा सकते, मेरा पूरा दिन, मेरा पूरा दिन का शेड्यूल आप नहीं दिखा सकते, शायद वहां पर 500-600 कैमरों के बीच में मैं हूँ, अनहाइड कैमरों के बीच में मैं हूँ, जो हाइड है उनके बीच में हूँ, तो शायद उससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे कभी नहीं मिल पाता कि वास्तव में चंद्रिका क्या है। रही बात मुद्दों की, तो एक कप के लिए, एक चाय के लिए मैं मुद्दा कभी नहीं बना सकती थी कि चाय का कप उठा के रखने में उसमें मुद्दा, क्योंकि चंद्रिका अकेले हजारों लोगों का काम करने में सक्षम है, आप लोगों ने देखा ही था वहां पर वो इतना काम कर रही थी, तो मुझे काम से फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज अदनान ने जाके जब मेरा पॉइंट उठाया तो मुझे मजा आया कि कोई तो 1-to-1 बात करने आया है, तो अदनान शायद भूल गया था कि मैं घर में नहीं हूं और वो मेरा मुद्दा उठा रहा, तब मुझे मजा आया कि अब कोई आया है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त घर से बाहर थी। वही मुद्दे, देखिए आप जो जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि भाई एक कप उठाने के लिए तो मैं झगड़ा नहीं कर सकती, वो मुद्दा मैं नहीं बना सकती, लेकिन पिछले बिग बॉस आपने देखे हैं, कप से लेकर, चीनी से लेकर, तमाम खाने पीने की चीज़ों को लेकर ही मुद्दा बनाया गया और वही वहाँ लोग स्टैंड कर पाए हैं, वही वहाँ काफ़ी दिनों तक रह पाए हैं। तो शायद मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बार बार एक चीज़ भी बिग बॉस रिपीट कर रहे थे कि कुछ लोग रटा रटाया गेम लेके आए हैं, राशन को लेके मुद्दा बार बार बनाया जा रहा है, वो रटा रटाया गेम था, वो प्ले हो रहा था और मैंने शायद 5-6 सालों में कोई नहीं देखा, सिद्धार्थ वाला एक चीज देखी थी बस मैंने शो, और सीरियसली जब मैं हजार लोगों को खिलाने में सक्षम हूँ, मैं इतने लोगों का काम करने में सक्षम हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे चाय के कप को मुद्दा बना देना चाहिए। हाँ, जब चंद्रिका को लगा कि किसी बड़े की बेइज्जती हो रही है, वहां जरूर मैंने अपनी बात रखी, क्योंकि चंद्रिका ऐसा नहीं है कि खुद के घर में आग लग रही होगी तो ही वो चिल्लाएगी, अगर दूसरे पे भी कोई मेरा अपना होगा तो चंद्रिका उसके लिए भी लड़ेगी। अच्छा चंद्रिका, मैंने भी देखा आपने, आप 24 दिन रही और आपने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें घर वालों को बनाकर खिलाई, लेकिन वड़ा पाव नहीं बना पाई आप? वो चीजें मेरे पास थी नहीं, काफी लोग मुझसे डिमांड भी कर रहे थे कि प्लीज खिला दे, प्लीज खिला दे, मैंने कहा यार मिक्सर नहीं है, वो सारी काठी मसाले के लिए मेरे पास चीजें नहीं थी, बट हम सबसे बातें हुई है कि हम सब जब निकलेंगे तो स्पेशली हम हमारी काट पे और कैफे में जरूर वड़ा पाव एंजॉय करेंगे। अनिल कपूर को आपने वड़ा पाव खिलाया था? हाँ। क्या कहा उन्होंने? टेस्टी है। उन्होंने उस वक्त पाव नहीं खाया था, शायद नाइट ज्यादा हो गया था, उन्होंने ओनली वड़ा खाया था और उन्होंने तारीफ करी थी। अच्छा, क्योंकि 24 दिन का आपका ये पूरा सफर रहा, जब आप जा रही थी बिग बॉस के अंदर, जब आपको ऑफर हुआ कि आपको बिग बॉस जाना है, शुरुआत में क्या आपको लग रहा था, क्योंकि कहा जा रहा था आपकी थोड़ा सा डिफिकल्टीज थी आपके लिए ये डिसाइड करना कि आपको जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और क्या आपको लग रहा था कि आप इतना जल्दी इविक्ट हो जाएंगी?
मेरे हिसाब से मैं जल्दी नहीं हुई हूँ एक एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए मैं जैसे बिजनेस वूमेन हूँ, और मेरे लिए 24 डेज काफ़ी थे. मुश्किल ये था मेरे लिए कि जब मैं अपने बेटे को सोता हुआ छोड़ के गई हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था कि नहीं यार कैसे होगा. अगर वो मेरे साथ खड़ा होता, मेरे पास होता, तो शायद मैं उस हाउस में कभी एंट्री नहीं कर पाती. तो 6 बजे शायद मुझे निकलना था और मैं 6 बजे उसको छोड़ के गई हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था. आई नो लोगों ने इस पे भी उंगली उठाई होगी कि लड़की तो बेटे के लिए सब कुछ कर रही थी और बेटे को ही छोड़ दी. तो मैं यह बात को अपनी रखना चाहूंगी कि बेटे का ही फ्यूचर ग्रेट करने के लिए शायद मैं वहां गई थी. और शायद कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना भी पड़ता है. यस डेफिनेटली, अगर आप कहीं से गुजरेंगे नहीं तो आप को वो मंजिल नहीं मिली. मंजिल हालांकि कभी नहीं मिलती, जैसे मैंने अपने उसमें कहा कि मैंने सफर एंजॉय किया. मेरे दिमाग में ट्रॉफी थी नहीं. मेरे लिए बिग बॉस का घर, घर का मींस होता है फैमिली, घर में लोग थे, लोगों से मैं बहुत अच्छे से बिहेव किया. ऐसा नहीं है कि ड्रामा किया, नकली चेहरा दिखाया, जो मैं हूँ. मेरे अंदर गुस्सा भी है, प्यार भी है, इमोशन. ये नकली चेहरा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये आरोप पूरे घर वालों ने आप पर लगाए? हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरा 24 सेकंड का एक वीडियो देखा है बस. उन्होंने मेरी पूरी जिस लाइफ पर आप अपने कार्ड को लेकर झगड़ा और वो बहुत वायरल हुआ था. उन्होंने पूरी मेरी लाइफ कभी नहीं देखी. उन्होंने वास्तव में चंद्रिका चौथे दिन शायद पोलोमिका ने मेरे लिए एक अपना माइंड चेंज किया था. जो बाहर से स्टेटमेंट देखी गई थी, यार रेडी वाली को कैसे बुला लिया, वो ऐसी है, वो वैसी है, और चौथे दिन उसने मुझसे माफी भी मांगी की थी, यार तेरे लिए सोच चेंज हुई है. तो आई थिंक मैंने वहीं पर लोगों को दिल जीता. तो आई थिंक मैंने अपने आप को ये शब्द कहा था कि मैं विन उसी दिन हो गई थी. अच्छा, जब आप शुरू में गई थी, शिवानी के साथ आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग नज़र आई, लेकिन बीच में हमने देखा थोड़ा थोड़ा बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक होती चली गई. आप शिवानी को मिस कर रही हैं आप? और जब मैंने देखा जब आप घर से बाहर भी निकल रही थी तो आप बहुत रोई शिवानी से गले मिलकर. घर से निकलने का मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं था. मैं पहली बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, एक एक वो खुशी की लहर थी कि फाइनली आज बेटे को हक करूंगी, और कर लिया. जितना था गंद मचने से पहले या बहुत ज्यादा बकवास होने से पहले मैं उस घर से निकल गई, क्योंकि बहुत सारे रिश्तों के पीछे, वहाँ रिश्ते नकली रिश्ते हैं, वहाँ दिखावी रिश्ते हैं, वहाँ एक दूसरे के पीठ में छुरा घोपा जाता है. और चंद्रिका जब भी बोलती है तो मुंह पे बोलती है, छुरा घोपने का उसका काम नहीं है. शिवानी से पहले दिन से मेरा बहुत प्यारा रिश्ता बना था, और ऐसा नहीं है कि मुझसे कभी नहीं मिलना चाहूंगी. छोटी बहन का दर्जा दिया था, बट मेरा जब कोई अपना गलत रास्ते पे चलने लगता है या बदतमीजियां करने लगता है तो मैं उसे जरूर बोलूंगी कि आप यहाँ गलत जा रहे हो. इसका उसने गलत उठाया कि नहीं, मैं उसे क्यों समझा रही हूँ, क्यों कर रही हूँ. आई थिंक रविशंकर सर ने भी सेम चीज आके कही कि भाई तुम बदतमीजियां कर रही हो, और मेरी बात को एक अलग तरीके से रख दिया, और बाकी सारी चीजें आप ही के सामने. शायद शिवानी का वोट मेरे लिए अगर नहीं पड़ता तो आई थिंक अभी मैं घर में होती. वो एक सही तरीके से समझाना. आपके लिए कुछ साजिश हो गई क्या जब आपका इविक्शन, मतलब क्या क्या साजिश हुई? साजिश ये हो गई कि शिवानी को समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उसे वोट किसे करना चाहिए, क्योंकि लव, विशाल और शिवानी, इन तीनों का वोट मेरे लिए था. मकबूल का वोट उस दिन भी मेरे लिए नहीं था. शायद शिवानी का वोट नहीं होता तो घर में कोई नहीं चाहता था कि मैं निकलूं. मींस अगर आपको लगता कि जैसे अब बाहर अब जो ऑडियंस वोट कर रही है उसके उसके अकॉर्डिंग इविक्शन जो है वो हो रहा है, लेकिन आपके टाइम पे भी अगर ऐसा होता तो आपको लगता है कि आप अभी वहीं पर होती? यस डेफिनेटली. अगर शिवानी उस दिन नहीं मुझे वोटा, क्योंकि लोगों ने पहले भी क्वेश्चन उठाया था, बातें करते हुए दिखे थे, यार इसके खिलाफ वोट ही नहीं हो रहा, ये नॉमिनेट ही नहीं हो रही है, ये बहुत अच्छे से प्ले कर रही है, ये सबसे बना के चल रही है, तो मेरा नेचर ऐसा था. बट वो शिवानी को एक चिट्ठी ना लिखना, उसके कान भरे जाना और उसका मेरे खिलाफ वोट पड़ना, शायद वो एक मेरे निकलने की वजह रहा है. बट मैं उससे आज भी नाराज नहीं हूँ. उसने जो करा ठीक है, बट आगे के लिए कि सोच समझ के डिसीजन ले, मैं यही चाहूंगी. ठीक है चंद्रिका, आपके एक बहुत बड़े फैन हैं आशीष दीक्षित, न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं. आशीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं. जी चंद्रिका, आपसे जो भी सवाल आप करना चाहें. हेलो दीक्षित जी, नमस्कार, जय श्री महाकाल. जय श्री महाकाल. मेरा आपसे सीधा सवाल ये है, जब आप फंसती हैं तो इमोशनल कार्ड खेलती हैं, चाहे बिग बॉस के अंदर हो या जब आपका बड़ा पाव का ठेला लगता है तब, तो इमोशनल कार्ड क्यों खेलती हैं आप? इमोशनल कार्ड हाथ जोड़ने लगती हैं, चाहे पुलिस के सामने हो चाहे बिग बॉस के भी जब फंसती हैं. आपने बात उठाई है इमोशनल कार्ड की, मैं इमोशनल कार्ड कभी नहीं खेली हूँ. मैं जो हूँ सो हूँ, दूसरे की उंगली कटने पे भी मुझे दर्द होता है. ऐसा नहीं है कि मेरे ही घर में भूकंप आएगा, मेरे घर में चोरी होगी, या मैं रोटी से वो होंगी तो मुझे वो लगेगा कि नहीं यार मैं ये सब कुछ, अगर दूसरे के साथ भी सेम चीज़ हो रही है तो मुझे तकलीफ होगी. मैं हूँ ऐसी लड़की,
और मुझे उसकी सफाई देने की कभी नीड ही पैदा नहीं हुई, क्योंकि जो मुझे अपने जानते हैं वो जानते हैं कि भाई लड़की क्या है। ठीक है आशीष, से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इमोशनल कार्ड का अगर जिक्र आया है तो आप कह रही हैं चलिए आप इमोशनल कार्ड नहीं खेलती, बिग बॉस में कौन था जो इमोशनल कार्ड खेला था? इमोशनल कार्ड का मैं एक तो सबसे पहले सिंपत्ति ग्रहण करना, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इमोशनल कार्ड सिंपत्ति, विक्टिम कार्ड सिंपत्ति लेना होता है, तो सिंपत्ति के लिए तो शायद जो हाँ शिवानी हमारी थी जो कैमरा सीकर हो चुकी थी, उनको बोला जा रहा था, बताया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमें बाहर से बोला गया है कि आप कैमरे के सामने ही जाके बात करना, सारी चीजें करना, वो बार बार बेहोश हो जाती थी और बार बार एक चीज उन्होंने दोहराई है, हम गांव वाले हैं, यहाँ सारे अमीर आए हैं, हमको यहाँ कुछ नहीं आता, हमें इंग्लिश नहीं आता। तो आई थिंक मैं उससे वो चीज बोलना चाहूंगी कि वो इमोशनल कार्ड खेल रही थी। लेकिन आप जब आप घर से बाहर निकली तो हमने देखा जो टीवी पर दिखाया गया, सना सुल्तान साइड में खड़ी रही, आप उनसे मिलकर नहीं आई, और भी सना मकबूल वो साइड में खड़ी रही, आप उनसे मिलकर नहीं आई, और क्या नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि आपने जरूरत नहीं समझी कि अब जाते वक्त भी एक बार मिलना चाहिए आपको? नहीं, मेरे ख्याल से जहाँ तक हमें पता है कि जब इंसान नाराजगी बिल्कुल नहीं है, वो मेरी काफी अच्छी 10-12 दिन की दोस्त है, बाहर निकलने के बाद भी मैं उनसे बिल्कुल मिलना चाहूंगी, बट शायद वो जैसे लास्ट अनिल सर ने भी एक चीज कही थी कि मकबूल कभी तुमने चंद्रिका से बात करनी चाहिए इन 2 दिनों में, तो उसके पास उस चीज का जवाब नहीं था, और मैं चाहती थी कि उसने, जब मैंने उससे पूछा कि क्यों तुम मेरे साथ क्यों नहीं बैठ पा रही, तो उसने मुझसे एक ही चीज कहा था कि चंद्रिका मुझे बहुत घुटन हो रही है और मुझे हंसना, मुझे मजाक करना, उन लोगों के साथ मजाक उड़ाना सारी चीजें पसंद है, मैं वहीं बैठूंगी। तो मैं वेट करती रह गई कि इसका मजाक अगर खत्म होगा तो शायद इसके पास मेरे लिए वक्त होगा, पर शायद वो वक्त नहीं था, तो लास्ट में वो 2 कदम की दूरी हमारे लिए बहुत बड़ी थी। अच्छा चंद्रिका एक चीज बताइए, क्योंकि आप वहां पर रहकर आई हैं, घर में सबसे ज्यादा साजिशें कौन रच रहा है और सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किसने किया? मुझे सपोर्ट पूरी फैमिली ने किया है, लास्ट में सिर्फ एक शिवानी, विशाल और लव ने मुझे एक साजिश के तहत निकाला, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बोला था कि काफी स्ट्रॉन्ग लड़की है, अगर ऐसे ही सबका दिल जीतती रही तो एक दिन विनर भी बन सकती है, ये बात उठी थी घर में। बट रणवीर भैया ने एक चीज कही थी कि अगर फॉलोअर के दम पे अगर ये गेम चल रहा है तो शायद कभी नहीं। अच्छा एक मुद्दा उठा था जिसमें कृतिका को लेकर कमेंट किया गया था घर वालों की ही तरफ से, जिस पर आपने देखा होगा, विशाल को लेकर मैं जिक्र कर रही हूँ, वहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप भी अपना पॉइंट रखें और घर में जो तमाम लड़के हैं वो भी अपना पॉइंट रखें, आपकी तरफ से उसको लेकर, उस पूरे वाक्य को लेकर जो वहाँ पर हुआ, जिस तरह से कमेंट विशाल की तरफ से कृतिका पर किया गया, वो जिम की पूरा जो उन्होंने ड्रेस वेयर कर रखी थी, उस पर आपका क्या ओपिनियन था? वो जब आप लोगों ने वो मेरा लास्ट, जब मैं घर से निकल रही थी तो शायद आपने देखा होगा कि चंद्रिका ने उससे माफ़ी मांगी थी हाथ जोड़ के अपने घुटनों पे बैठ के, क्योंकि कहीं ना कहीं जब विशाल के घर वाले रोते हैं, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर किसी के माँ बाप रोते हैं तो ऐसा नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं होती, तो शायद कहीं ना कहीं मैं हर्ट हुई, मुझे लगा यार कुछ गलत तो नहीं बोल दिया किसी के बेटे के बारे में, क्योंकि मेरा भी एक बेटा है। बट जब मैं बाहर आके मैंने अपने पति से पूछा कि मैंने सही कहा ना, तो वो ड्रेस वाला वीडियो मुझे दिखाया गया, वो विशाल भैया भाग्यशाली है, आप शायद उसी वीडियो की बात कर रही हैं, और विशाल कल भी गलत था, आज भी गलत है और हमेशा गलत रहेगा। लेकिन सबसे अच्छा मोमेंट आपके लिए घर में कौन सा था, किस वक्त था इन 24 दिनों में? दीपक भैया से, सर से लेके भैया तक का सफर मेरा बहुत प्यारा रहा है, और शिवानी से जो बचकाना वो हमें हंसाती थी, जब उससे हम पति देव करते थे तो कहीं ना कहीं शायद यश की याद थोड़ी सी हमें वो स्माइल करवाती थी, सारी चीजें। मकबूल से कनेक्शन 12-1 दिनों में काफी अच्छा बना था, बट मकबूल ने शायद मजाक करने वाले उसे लोग पसंद थे, उसे सीरियस लोग पसंद नहीं होते, मे भी शायद, तो बस इन्हीं लोगों से मेरा, हाँ कृतिका मेरी लास्ट में एक कहते ना एक फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड का उसने सफर तय किया था कि हाँ वो लड़की रोती थी तो शायद मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ होती थी। क्योंकि आप दीपक जी का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपसे एक और ओपिनियन आपका जानना चाहूंगी, दीपक चौरसिया से आप मिली, 24 दिन उनके साथ रही और आप कह रही हैं उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, तो पत्रकारों को लेकर आपका क्या ओपिनियन बना अब तक?
मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि जब दीपक भैया से हम पहले दिन मिले थे, हम उन्हें नहीं जानते थे, ठीक है। वहाँ एक सबसे बड़ा इत्तेफाक ये था कि पूरा घर मुझे जानता था और मैं किसी को नहीं जानती थी। दीपक भैया की जब एनिवर्सरी थी और घर में शायद कुछ नहीं था, तो मैंने रवे का हलवा बना के उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी और उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही थी कि मेरी बेटी ने तुझसे दूर रहने के लिए कहा था और तारा तेरी सोच गलत हुई, ये लड़की वैसी है ही नहीं। तो शायद उस दिन मैंने ऐसा कहते हैं ना कि किसी बड़े का कुछ प्राउड मिला या कुछ सुनने को मिला और मेरी आंखें भर आई थी। तो दीपक भैया मतलब जैसे मैं उन्हें गलत तो गलत एक वो वाली थी, उन्होंने जब भी बोला उन्होंने हक से बोला, एक दिल जीतने वाले थे वो। पत्रकार अगर मेरे ख्याल से सच बोलता है तो वो हमेशा कड़वा होता है। लेकिन आप ठीक है, मैं आपसे क्योंकि जिस तरह से आप कह रही हैं कि जब मैं घर में पहुंची तो मैं किसी को नहीं जानती थी लेकिन सारे मुझे जानते थे, आपने सोचा था कभी ऐसा मोमेंट भी लाइफ में आएगा कि आप क्योंकि सभी अपने अपने कह सकते हैं कि वो सब स्टार्स ही थे। अगर हम देखें अरमान मलिक तो हालांकि उनको तो आप जानती ही होंगी, लेकिन सोचा था आपने कभी ऐसा होगा आपके साथ, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाएंगी, अपनी बातें रखेंगी और आपके इतने सारे फैंस होंगे? देखिए मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा, कभी कुछ नहीं। मेरे लिए अपने पति अपने बच्चे अपने बिजनेस लेके मैं कभी कुछ ज़्यादा नहीं सोचती, बट अगर भगवान ने वो चीज़ मुझे दी थी, मैंने अपनी सासू माँ अपने पति अपने भाई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा आपको जाना चाहिए, तो शुक्रिया करूँगी महाकाल बाबा का, आप सभी लोगों का, कि वो प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहाँ से लोग मुझे जाने हैं। एक हल्का सा बस ये था कि वहाँ के लोगों के बारे में मैं नहीं जानती थी। मैं सबके बारे सब मुझे जानते थे कि इसे गुस्सा भी आता है, बट मेरे को किसी का नेचर ही नहीं पता था वहां का कि कौन क्या है। वो मुझे समझने में पूरा 12-15 दिन लग गए। लेकिन रैपर को लेकर आप क्या कहेंगे, जो रैपर लेजी है वो एक डुअल कैरेक्टर उनको लेकर कहा जा रहा है, उनका उनकी पर्सनैलिटी अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। हाँ वो मैं बोलना चाहूंगी, जैसे मैं वहां घर में थी तो मैंने भी कई बार उससे बहुत वो करा है। इनफैक्ट आपके साथ बॉन्डिंग कैसी थी? बहुत मतलब मेरे साथ बॉन्डिंग ऐसी थी कि जब उसने मुझे वॉट आउट किया तो शायद मैंने उसे एक चीज पूछी थी कि नेजी आप डेली मेरे साथ किचन में खाना बनाते हैं, मैंने आपको कुकिंग हर एक चीज बातें करते हैं, तो उन्होंने पहला शब्द कहा था कि चंद्रिका आप काफी स्ट्रांग प्लेयर है इसलिए हमने आपको वॉट आउट कर दिया। तो उनका शायद वीक वीक लोग विनर बन जाए तो उनकी ये ओपिनियन थी। अभी तक देखा जाए तो सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर ही बाहर है, फर्स्ट डे नीरज भैया, सेकंड पोलोमी, थर्ड पायल, फोर्थ में सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बाहर हो चुके हैं। तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर को बाहर करने की साजिश कौन रचा था वो मुझे नहीं पता। उनका कोई मुद्दा नहीं होता, उनकी कोई बात नहीं होती, वो सिर्फ नहाने के बाद सोने की अहम भूमिका, खाने की अहम भूमिका वो ये करते हुए नजर आ रहे होंगे। अच्छा आप सना और लेजी के बीच जो केमिस्ट्री चल रही है आपको लग रहा है वो रियल है या सब कुछ फेक है? क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे रिलेशन वक्त वक्त पर बिग बॉस में ऐसे रहे हैं जो समय की जरूरत रहे हैं और फिर बाहर आने के बाद या फिर बिग बॉस में ही उनका कोई वजूद नहीं दिखा। मैंने आपको एक चीज कही थी कि शायद गेम गंदा होता है, रिश्तों का खून होता है, पीठ पीछे छुरा घुपता, उससे पहले शायद मैं निकल गई, काफी अच्छा हुआ। क्योंकि दोनों सनाओं के बीच में नेजी अपना एक कहते ना सेफ जोन करके चल रहा है, ये दोनों सना तो मुझे कभी वोट आउट नहीं करेंगे। वो शायद अब उन दोनों को मिलाने की भी कोशिश कर रहा है सिर्फ अपने फायदे के लिए कि यार मैं वोट आउट नहीं होना चाहता, तो दोनों सना मेरा काम करेंगी, एक सना इस गेम को बचाएगी, विशाल, लव, शिवानी, तीन वोट ये हो गए, एक सना इधर मुझे बचा लेगी। तो शायद वो बहुत माइंड वाला गेम खेल रहा है। अच्छा आपके हिसाब से घर में सबसे अच्छा गेम कौन खेल रहा है? रणवीर भैया, रणवीर शौर्य, अरमान नहीं, वो आग लगाने वाला, वो कहते ना एक हाथ, जैसे अगर आप लोग चाहते हो कि अगर बिग बॉस में हर वक्त आग लगाई जाए या इधर का उधर करा जाए हर चीज, अरमान भैया वो चीज कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर, जैसे लास्ट में आते आते जैसे हमने शिवानी को कहा था भाई अपना मटका उठा ले, कुछ टाइम अच्छा। पहले कुछ टाइम पहले शिवानी से कृतिका की और अरमान की बिल्कुल नहीं बन रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, वो बात तक करना नहीं पसंद कर रहे थे और अभी सेम एक दूसरे के साथ जिम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे ऐसे पल पल में बदलते हुए रिश्ते तो बिल्कुल समझ में नहीं आते। अच्छा अरमान मलिक को अपनी दोनों वाइफ पायल और कृतिका मलिक के साथ आना क्या फायदेमंद उनके लिए हुआ? हालांकि पायल तो इविक्ट हो चुकी है, अभी कृतिका वहां पर है, तो दो लोग जब होते हैं घर में कपल होते हैं तो एक कह सकते हैं आपको लगता है कि थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी बनता है, सपोर्ट सिस्टम ठीक रहता है, सपोर्ट मिलता है। यस मैं आपको बता देना चाहती हूं, को मिल रहा है। फर्स्ट डे वो जब आए थे तब हम सभी का एक ही राय थी कि तीन वोट साथ लेके आए हैं, ट्रॉफी
घर लेके जाएंगे, एक नहीं जाएगा दूसरा जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा तीसरा जाएगा, खेलते तो रहेंगे। तो बाहर निकल गया। हाँ नहीं, फिर भी वो बाहर से फुल सपोर्ट कर रही है अपने वाइफ को, सॉरी अपने पति को और अपनी बहन को फुल सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आप वीक हो रहे हो, आपको फैमिली की याद आ रही है, तो कोई तो एक ऐसा घर का बंदा है जो आपको वहां स्ट्रॉन्ग कर देगा, बाकी किसी के पास ये चीजें नहीं थी वहां पे। लेकिन अरमान और सना को लेकर भी क्या कोई बॉन्डिंग वहां पर बन रही है? क्योंकि कई बार जिस भी एंगल से दिखाया गया हो टीवी पर, ऐसा आप लगा या आपको वहां पर ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, देखिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये साफ और झूठी बातें हैं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दूंगी। अरमान ने पहले दिन जाके मुझे भी बहन बोला है, मकबूल को भी बहन बोला है, और मकबूल ने बस एक चीज़ कही है कि भाई का रिश्ता घर के बाहर निभाएंगे, अंदर कभी भी तू-तू मैं-मैं हमारी हो सकती है। तो वो बहन के तरीके से देख रहा है, उसे ऐसी कोई गलत नजर नहीं है उसकी। अच्छा, सना मकबूल को भी हमने देखा है, वो कई बार मैनिपुलेट करती हुई दिखी, बट उनको कोई बोलता नहीं है ना, उनको कोई बोलता नहीं है, वो एक मास्टर प्लान गेम खेल रही है। और अच्छी बात है कि वो खेले, क्योंकि वो चाहती थी कि इस बार की विनर एक लड़की बने, बट वो रिश्तों को समझ नहीं पा रही है, वो मुझे समझ में नहीं आता उनका कौन अपना है। जैसे विशाल ने पहले दिन उनको फूल फूल कहा इतने लोगों के बीच में, मैंने जब उन्हें समझाना चाहा कि आप कैसे, तो उन्हें कहा नहीं ये मजाक मस्ती करता है, मुझे यही अच्छा बैठना है। फिर भी उसने, विशाल ने अपनी मकबूल पे क्वेश्चन उठाया कि तू वास्तव में क्या दोस्त कहने के लायक है या नहीं है, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर ठीक है, उसको जहां अच्छा लगता है वो वहीं खेले, ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में वो बाहर निकल जाए। लेकिन अब दोबारा अगर जाने का मौका मिला आपको बिग बॉस में, तो क्या जाएंगी? अगर दोबारा एंट्री अगर, हाँ, अगर पास ऑफर आता है तो। वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं है लाइफ में, बट अगर ऐसा कभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरे बाबा मुझे देते हैं, तो बहुत सारे जो दोगले रिश्ते हैं उनको उनकी औकात दिखाना चाहूंगी। इनफैक्ट जो अदनान है उसको मैं बोलना चाहूंगी कि तुझे भेजा किसके लिए गया था, तू वहां कर क्या रहा है, तुझे वो टीम को तोड़ने के लिए भेजा गया था, जो भी है तू उस टीम के साथ खेल के काम, और लल्ला बन चुका है अब तू, तो लल्ला बनना बंद कर, अपने गेम में उतर जा, और चंद्रिका वहां है नहीं तो मेरे कंधे पे रख के अपना नाम रोशन मत कर। अच्छा, आपने बता दिया कि सबसे स्ट्रांग और सबसे अच्छा गेम तो रणवीर खेल रहे हैं, सबसे खराब और सबसे वीक कौन है? इन बच्चों पार्टी को ऐसा लगता है कि ये बच्चों का गेम है और जो चालबाजी चली जा रही है, तो आई थिंक इनको समझना बहुत ज्यादा, जैसे अभी बीच में शायद टीवी पे दिखाया नहीं दिखाया मुझे नहीं पता, पर वो वोटों की गुहार करने लग गए थे कि हमें वोट चाहिए, तो हमें एक दूसरे का ग्रुप छोड़ के लोगों के पास बैठ बैठ के पढ़ना पड़ेगा ताकि वोट हमारे खिलाफ ना हो, तो कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं कि अब उनका सफर ज्यादा दिन का नहीं रहा। अच्छा, आपके हिसाब से अब बिग बॉस OTT का विनर कौन होना चाहिए, और आने वाले वक्त में चंद्रिका गेरा दीक्षित के क्या प्लान्स हैं? ओके, विनर तो रणवीर शौर्य है मेरी नजरों में। कहते ना कि एक जिसकी इमेज, जिसकी लोगों की सोच बदली, तो मैं अपने आप को भी रखना चाहूंगी कि लोगों की सोच मैंने उस घर में बदली है। दूसरा नीरज भैया, जो पहले दिन तीसरे दिन निकल गए थे, उस मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तीसरे दिन किसी के लिए इतना हर्ट हो जाऊंगी। वो बंदा था, खेलने के लायक था, उसको पता नहीं क्यों निकाल दिया, एक सच बोलने की वजह से शायद वो निकला है। और चंद्रिका बहुत जल्दी कुछ बड़े प्रोजेक्ट में नजर आने वाली है, आपको अपने बिजनेस के साथ, बिजनेस को कभी नहीं छोड़ूंगी मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चंद्रिका गेरा दीक्षित। जय श्री महाकाल, थैंक यू सो मच।